भाई को भूलना नहीं, कहो तो अभी आ जाता हूँ। अरे भाई इंटरवल हो चुका है, अब एक्शन होगा सलमान खान का। हमारी दोस्त है क्या? नहीं सहेली है। सहेली है? तुम भी सहेली बनाती हो क्या? हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। भाई अभी मजदानी खोलते हैं यार, इसका तो नींद ही नहीं खुल रहा। बहन का मोटर चालू करना है भाई। भैया लोग अभी सोए होंगे एकदम पूरा। चलो जी चालू तो कर दिया, आज जल्दी उठ गया था यार 5 बजे ही। थोड़ा बाहर का व्यू देखते हैं भाई साहब। अल्टीमेट व्यू भाई, मतलब एकदम ठंडा ठंडा, वाह क्या बात है। पता है एक चीज नोटिस करने वाली बात है, वहाँ पे भाई इतना गर्मी लगता था ना, पूछो मत। और यहाँ पे इतना ठंडा है, मतलब कंबल ओढ़ के मैं सोया। वहाँ पे क्या था कि भाई कूलर में सोता था, फिर भी भाई मतलब गर्मी गर्मी लगता था, ऐसा सीन था भाई। खैर वो कूलर ख़राब भी था, उसमें पानी नहीं चल रहा था, बस पंखा उसका चल रहा था। चलो थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, नहा धोहा लेते हैं भाई। देख रहे हो मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे कल शाम को तो नहा लिया था भाई, अभी दुकान पे भी जाना है मेरे को। आज पापा आए ही नहीं भाई, अपना ही पानी गिर रहा है। हाँ भाई पानी तो गिरने लगा यार। तो अभी भाई नहा धोवा के मैं रेडी हो चुका हूँ। मेरा तो मन था आज दुकान खोलने का, भाई ये मना कर दिए कि मेरा मन नहीं लगेगा अकेले। पता है कल पापा का मैंने टिकट कर दिया था बस का, लेकिन पापा ने बहाना मार दिया, आज का वो कैंसिल करा के कर दिए भाई। ये सीन है, तो पापा आज शाम को पकड़ेंगे, तो देन कल सुबह में आएंगे यहाँ पे। तो आज अगर मैं दुकान खोलता हूँ ना, सबसे पहले तो सामान वामान लाना पड़ेगा भाई। आलू भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, हालांकि लहसुन वसुन है, लेकिन मान लो सामान भी ला देता हूँ तो दिन भर मेरे को ही बैठना पड़ेगा भाई अकेले अकेले। बहन घर पे बोर हो जाएगी, अभी थोड़ा घर से आई ना तो इसको थोड़ा सा लग रहा है भाई, मतलब नया नया सा, नया नया तो नहीं है लेकिन फिर भी उसको मन उदास हो रहा है, तो इसीलिए बोल रही है कि मत जा आज खोल मत, आज संडे है भाई, मार्केट भी अच्छा खासा होगा। तो भाई समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैसे ये रोने लग रही है कि आज ना कल से खुलवे ना करी यार पापा जी अंता। देखता हूँ भाई क्या होता है। वैसे मौसा को मैंने बोल रखा है कि आऊँगा मैं, अब वेट करना। चलो उनको मना कर देते हैं और गाड़ी को भाई यहाँ से बाहर निकालते हैं भाई। अब वो उठ सोना में चिन्नी चाय पत्ती बाबूची, बस खाली दूध ब्रेड लाग बना। आलू भी नहीं मिला भाई, प्याज भी नहीं मिला। पर देख लो यार दुकान कितना गंदा पड़ा है, यहाँ तो कोई अनार भी खाया भाई। यार कोई ना, चलते हैं ब्रेड व्रेड लेते हैं भाई, कल ही दुकान खोलूंगा यार मजे में आराम से। ले लिया जी अपना दूध ब्रेड पे तो पहुंच गया भाई। मैंने कल इस गाड़ी को इतना खींचा, मतलब 300 किलोमीटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इस गाड़ी के लिए बड़ी बात है। लव दिस बाइक भाई, प्लैटिना 110 मेरा प्यार है। जैसा चाहत रहे वैसा नहीं भाई, ना आलू मिलल ना प्याज मिलल, दुकान बंद। अब कल दुकान खुली, कल गाड़ी बालू के तो आराम से कल खोल जी। चाय बनाओ ना यार, भूख लाल बा, ब्रेड ले भाई। लो जी अपना चाय और ब्रेड आ चुका है, और इधर शर्मा जी का, शर्मा नहीं यार सोनू शर्मा का सेशन चल रहा है, मजा आता है यार सुनने में। अभी भाई अपना खाना बन रहा है, आज क्या बन रहा है सोनम? भिंडी का सब्जी भुजिया सब्जी भाई बन रहा है, वो सब्जी उतना बड़ा बड़ा होता है। बाकी दाल बन गया है और इधर चावल बन गया है। बाहर देखना भाई कितना धूप हो गया है यार। ये मेरे कौन बेड पे आया है? तुम्हारा क्या नाम है? शक्ति नाम। तुम्हारा शक्ति नाम है? और इसका क्या नाम है? तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं सहेली है। सहेली है? तुम भी सहेली बनाती हो क्या? हाँ मैं इसको सहेली बना के रखी हूँ। इसका कहाँ पे घर है? उसके मम्मी है लेकिन। नहीं नहीं घर कहाँ पे है इसका? ऊपर में है ना। ऊपर में है? हाँ तुम इसकी सहेली हो? नहीं। हाँ इसके सखी हूँ मैं। इसके सखी हूँ। अच्छा सखी हो? ओ भाई देख रहे हो भाई, इस उम्र में ही सखी सहेली बना ले रही है लड़कियाँ, क्या बात है भाई। यार मैंने गाड़ी में ही चाबी छोड़ दिया यार, बताओ। अभी मैंने लंच वंच भी कर लिया, चाबी ढूंढ रहा था, फिर मेरे को याद आया कि नीचे ही छोड़ा हूँ मैं। ये देखो जी भाई इसी में है यार, यहाँ धूप से भाई यहाँ छावे में लगा दिया गाड़ी को। पता है गाड़ी की तारीफ करने में और लव यू बोलने में गाड़ी में ही चाबी छूट गया था भाई, अभी मेरे को याद आया एकदम से। चलो अच्छा है कोई ले के नहीं गया भाई, नहीं तो आज तो बवाल ही हो जाता। और जानती सुना मैं छूटल तो रहे कोई रहे, मगर ओकरा में ओने रहे
ऑफ ऑन आ रहे ऑन रहे बैटरी एकदम लो हो गई बा तो कोई लेके चल जीत तो कितना लफड़ा हो जीत भाई। हालांकि यहाँ से कोई छू ही ना गाड़ी लेकिन फिर भी भाई अपना से तो बाहर प्रदेश में कोई कुछ ना कर सकता है भाई, कोई कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ भाई गाड़ी का चाबी टांगने का, ऐसे अपना गेट लगा दो नहीं दिखेगा चाबी वगैरह कुछ भी। दुकान का भी चाबी वहीं पे टांग देते हैं भाई, नहीं तो वो भी ढूंढने लगेंगे। ये रहा अपना दुकान का चाबी भाई, रिंग लाना है यार बड़ा बड़ा, यहीं पे इसको भी टांग देते हैं आराम से। हो गया अपना डन। अभी भाई टाइम देख लो 2:30 हो रहे हैं। कब से भाई मैं बोर होए जा रहा था गेम खेला फिर भी भाई मेरा बोरियत ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मेरे माइंड में आया कि चलो एक मूवी देख लेते हैं भाई, गॉडफादर। मैंने नेट पे बहुत सारा सर्च करा भाई, मिला ही नहीं यार। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो हॉल में देख के आते हैं भाई, पास में ही एक हॉल है। देखो फालतू का पैसा वेस्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन अब क्या कर सकते हो भाई, बोर हो रहा हूँ दिन भर, क्या करूँगा, सारा काम भी मैंने निपटा लिया, इसीलिए भाई मैंने टिकट कर दिया। देखो टिकट भाई 3:30 का टिकट है, कहाँ गया टाइम, ये रहा 3:30 का टिकट है, अभी टाइम देख लो 2:30 बज रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे हैं, बाकी 1 घंटा नहीं 85 मिनट मान के चलो, 10 मिनट जाने में भी लगेगा ना, मैप में 6 मिनट दिखला रहा है। तो देखते हैं भाई सलमान खान का कैसा मूवी है। मूवी का तो मैं लवर हूँ ही भाई, बस मौका मिलना चाहिए हॉल में जाने का, ये भी सीन कह लो भाई। खैर कोई ना, अभी फटाफट जल्दी से 3:20 हो जाए उसके बाद निकल चल चलेंगे। चलो जी रेडी तो हो गया भाई, अभी टाइम देख लो 3:20 हो गया भाई। बहन रोने लग रही है यार जाने पे घर से, उसका मन नहीं लग रहा ना थोड़ा सा भी। गाड़ी भी मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था भाई, बैटरी डाउन हो चुका है ना, और मेरे को लोकेशन तो पता नहीं है। देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ वहीं पे होगा, यामाहा शोरूम के आस ही पास है, मैप में देखा था, अभी देखा नहीं हूँ बढ़िया से। वो फुली वहीं पे हो भाई, बस 10 मिनट ही टाइम है। पहुँच तो गए भाई, बाइक अपनी पार्क हो गई है, पर्चा वगैरह कट गया। देखो जस्ट वैसा ही है भाई, बिहार जैसा ही, अपने यहाँ जैसा। मैं सोच रहा था थोड़ा पीछे आएगा, देखना जरा एकदम सामने आ गया भाई। खैर कोई ना, एंजॉय करते हैं। भाई को भूलना नहीं, कहो तो अभी आ जाता हूँ। अरे भाई इंटरवल हो चुका है, अब एक्शन होगा सलमान खान का। बहुत महंगा यार, मैंने कुछ नहीं लिया वहाँ से। चलो अब अंदर चलते हैं भाई, यहीं से था ना। हाँ यही रहा। मूवी तो खत्म हो गया जी, देखो यही था हॉल भाई, मल्टी बसंत मल्टीप्लेक्स के नाम से। मैं तो समझता था भाई गाय बस हमारे दुकान पे ही आया करती है, मतलब सब्जी खाने, आलू प्याज या फिर हरा सब्जी। बताओ इधर कपड़े के दुकान में एक सांड घुसा हुआ था भाई, बेचारा कैसे भगा रहा था, मैंने देखा वो भाई साहब, देखो यामा का शोरूम आपको शायद ही दिखा होगा भाई, बेचारे पे क्या गुजर रहा होगा मैं समझ सकता हूँ भाई, पानी मार रहा था वो। अभी देखो ओवरऑल मूवी का मैं अपने तरफ से रिव्यू दूँ ना भाई, देखो वो मूवी ऐसा है ना, सब लोग को पसंद नहीं आएगा भाई। जैसे देखो जो मतलब स्टोरी वाला मूवी देखते हैं ना, जैसे नेताओं का या फिर घर का जो स्टोरी होता है, वैसे टाइप के लोग जो होंगे ना उनको पसंद आएगा, और जो ज़्यादा मार धाड़ में रहते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा था ना वो ऋतिक रोशन वाला, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मज़ा आया और मेरा ज़्यादा पैसा थोड़ी ना लगा, 127 रुपये लगे थे भाई, बाकी मैंने कुछ रेस्टोरेंट से लिया नहीं भाई, 40 रुपये का 100 समोसा, दिमाग ख़राब हो गया दाम सुन के। घर जाने से पहले सोच रहा हूँ भाई दही और दूध ले लूँ बाहर से, आज दही और रोटी खाने का मन हो रहा था, बहन को भी मेरे को भी। हेलो जी, दूध और दही भाई दोनों ले लिया, फिर मेरे को वापस आने का मन नहीं था भाई। तो भाई घर तो आ गया अभी, संतोष भाई आ रहे हैं, देखो टाइम 6:30 हो गया, दूध वगैरह रख दिया। संतोष भाई ने बोला है आ जाओ कुछ समोसा वमोसा खाते हैं। संतोष भाई आ गए खर्चा कराने के लिए भाई, क्या बात है, आज लूना पे जाएंगे खर्चा करने। इनके लिए भी ले लिया समोसा, और देखो ये रहा अपना रूम भाई, यहाँ से एकदम प्रॉपर दिख रहा है। रोजी डिनर भी आ गया भाई, आज सादा सुधा एकदम डिनर है, दही और रोटी, बाकी आज जल्दी सोना भी है भाई, पापा सुबह सुबह आएंगे ना 3-4 बजे तक पापा आ जाएंगे, तो मैं डिनर करके फटाक से सो जाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है भाई आज, बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो आँख ही नहीं खुल रहा मेरा, मैं कब से सोया था। अभी गाड़ी भी मेरे को अंदर ही करना है भाई, बाहर ही गाड़ी खड़ा है। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा दही रोटी को एंजॉय करते हैं, बाकी रोटी देखो भाई कितना बड़ा है यार, ओ माय गॉड, खुशियाँ बना वाले हाँ ना। चलो जी मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग में, ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।